आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। टू मासेज ऑफ मास M1 एंड M2, ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं? स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा है और ये जो सिस्टम है वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। इनिशियली स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है थ्रू अ डिस्टेंस x0 से, और उसके बाद सिस्टम को रिलीज कर दिया जा रहा है रेस्ट से। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू मासेज बिफोर दे अगेन कम टू द रेस्ट। तो पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये मास हमारा M1 है, तो ये लेट अस सपोज मास M2 होगा, ये हमारा मास M2 हो जाएगा। अब M1 M2 जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये हमारा स्प्रिंग से कनेक्टेड है। M1 और M2 क्या कनेक्टेड है? स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब इनिशियली M1 M2 को स्ट्रेच किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, इट मींस दैट कि ये जो हमारा मास है ये थोड़ा सा इधर मूव करेगा और ये वाला मास M1 थोड़ा सा इधर मूव करेगा। तो अब स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रेच होके किस तरीके से हो जाएगा? अब जो ऐसे होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच कर दिया गया, ये हमारे पास मास M1 है, ये M2 है। तो जो इनिशियली स्ट्रेच किया गया है वो कितने डिस्टेंस से स्ट्रेच किया गया है, वो डिस्टेंस दे रखा है। इनिशियल जो स्ट्रेच है वो x0 का स्ट्रेच है। इसके बाद सिस्टम को छोड़ा जा रहा है, तो छोड़ा जाएगा रेस्ट से, तो इस पे क्या होगा? एक स्प्रिंग फोर्स इधर काम करेगा और एक स्प्रिंग फोर्स इधर काम करेगा। दोनों सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक बार फिर दोनों आएंगे, फिर उसके बाद किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आने के बाद फिर ये दोनों ऐसे ऐसे आ जाएंगे। इसके बाद ये कुछ देर तक ऑक्सीलेट करेंगे, फिर फाइनली ये क्या करेंगे? फाइनली रेस्ट में आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा? इनिशियली हमने इसको क्या किया था? इसको स्ट्रेच किया था। उसके बाद ये हमारे पास इनिशियली हमने स्ट्रेच किया था, फिर ये दोनों इक्विलिब्रियम में आए, फिर ऑक्सीलेट करेंगे, फिर ये क्या होंगे? फाइनली रेस्ट में आ जाएंगे कुछ देर ऑक्सीलेट करने के बाद। तो अभी पूरे सिचुएशन में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इन दोनों मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो चूंकि x डायरेक्शन में ही सारा वेरिएशन हो रहा है, तो लेट अस सपोज सेंटर ऑफ मास कहीं किसी पोजीशन पे रहा होगा, xcm पोजीशन पे, उस पोजीशन को हम जीरो माने लेते हैं क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? हमारा फिक्स होगा। तो वो पोजीशन हम मान ले रहे हैं कि जीरो है। दिस इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेच करने के बाद यदि छोड़ा गया है, तो लेट अस सपोज m1 जो है वो x1 डिस्टेंस तक मूव किया और M2 X2 डिस्टेंस तक। तो ये जो मूव है वो X1 का और ये है X2 का, और दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? M1 X1 माइनस M2 X2। यदि सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस होता सेंटर ऑफ मास के लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा? सम ऑफ मासेज विच इज M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से ये आ जाएगा M1 X1 इज इक्वल टू M2 X2। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू आ जाएगा m2 by m1 x2, एंड x2 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 by m2 x1। अब जब हमारा इनिशियल इसमें एक्सटेंशन हुआ होगा x0 का, उस केस में एनर्जी क्या होगी? उस केस में एनर्जी होगी स्प्रिंग एनर्जी हाफ के x0 स्क्वायर। इस केस में क्या है? सिस्टम रेस्ट में है। फाइनली जब ये रेस्ट में आ गया, फिर से ये कुछ देर ऑक्सीलेट करने के बाद जब ये रेस्ट में आया होगा, तब एनर्जी क्या होगी? वो एनर्जी जो होगी हाफ के टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ था? x1 प्लस x2 और माइनस x0। तो ये हो जाएगा माइनस x0। x1 प्लस x2 टोटल एक्सटेंशन माइनस x0 का एक्सटेंशन पहले ही हो चुका था। तो जो इक्विलिब्रियम में आने से और स्ट्रेच करने के बाद छोड़ने का जो टोटल एक्सटेंशन होगा वो ये हो जाएगा। तो ये दोनों एनर्जी क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो यहां से हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, चूंकि इनिशियली स्ट्रेच किया गया था तो स्प्रिंग में जो स्ट्रेच या एक्सटेंशन हुआ था वो एक्स नॉट का हुआ था, तो ये वो वाली एनर्जी हो गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। उसके बाद फिर जब इक्विलिब्रियम में ऑक्सीलेट कुछ देर स्ट्रेच करने के बाद छोड़ने के बाद ये कुछ देर ऑक्सीलेट करेगा, ऑक्सीलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। तो फाइनली रेस्ट में आ जाएगा तो सेकेंड केस में जो टोटल एक्सटेंशन हुआ होगा ये स्प्रिंग में, या फिर टोटल जो कंप्रेशन हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स नॉट, ये टोटल क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये जो टोटल इस केस में एनर्जी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आने के बाद जो टोटल इसके अंदर स्प्रिंग एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स नॉट, मीन्स एक्स वन प्लस एक्स टू क्या हो जाएगा, टू एक्स नॉट आ जाएगी। मीन्स यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स टू इज एक्स वन इज इक्वल टू एम टू बाई एम वन एक्स वन, तो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एम टू बाई एम वन एक्स, एम वन बाई एम टू एक्स वन, तो ये हो जाएगा एम वन बाई एम टू एक्स वन, एक्स टू की वैल्यू हमारे पास ये है तो ये हो जाएगा एम वन बाई एम टू एक्स वन, दिस इज इक्वल टू टू एक्स नॉट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वन वन प्लस एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू टू एक्स नॉट, तो एक्स वन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एक्स नॉट, ये हमारे पास एक्स वन आ गया। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास एक्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ जैसे हमने एक्स टू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी थी तो हमारा एक्स वन आ गया था, इसी तरीके से एक्स वन की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो एक्स वन आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, टू एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एक्स नॉट। तो ये जो आ गई हमारी दोनों एक्स टू और एक्स वन आ गई, और यही हमसे पूछा गया था कि एक्स टू और एक्स वन जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाई द टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू द रेस्ट, तो रेस्ट में आने से पहले जो डिस्टेंस मूव होगा वो हमने इजिली कैलकुलेट कर लिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।